आज हम आए हैं मुंबई के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जिसका नाम है मीरा रोड। मीरा रोड के मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया नया नगर में नॉनवेज स्ट्रीट फूड की बहुत डिमांड है। तो आइए हम और आप देखते हैं यहाँ के कुछ लजीज खानों की पेशकश। अपने बोरिंग दोस्तों को मारो गोली और ज्वाइन करो हमारा ग्रुप। एंजॉय द फूड लूप। गाइज, आई एम एट द फर्स्ट लोकेशन एंड हमारे हाथ में है मटन बोटी। काफ़ी अच्छे से मैरिनेटेड है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में भी है। इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट किया हुआ है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है। साथ में आपको इसके खीरा और क्यूकम्बर्स मिलेंगे। अभी हम ऑर्डर करते हैं दूसरी डिश। वो सेकंड चीज़ है ये खीरी। खीरी बकरी का वो हिस्सा है जिसके ना होने से बकरी के बच्चों का बड़ा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मुझे बहुत पसंद है ये, आई लाइक इट अ लॉट। खीरी बहुत ही टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है। आप जो मीट पीसेस खाते हो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। पनीर, अगर आपको पता हो पनीर का टेक्सचर, तो पनीर से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड इसमें एक हल्का सा मिल्की फ्लेवर भी आता है। बहुत अच्छे से मैरिनेटेड है, बहुत सॉफ्ट है। इसको बहुत देर तक पकाना पड़ता है इसलिए इतना सॉफ्ट बनती है। तो अभी हम चलेंगे दूसरे लोकेशन की तरफ एंड आई विल सी यू देयर। नेक्स्ट हम खाएंगे डिजर्ट जिसका नाम है हलवा पराठा, जो कि एक मुगल डिश है। मीठा और सॉफ्ट हलवा काफ़ी देर तक पकाया जाता है घी में, फिर एक बड़े से तवे में और घी डालकर उसे पिघलाया जाता है। एंड में बड़े से पराठे को अनोखे तरीके से तवे पर डालकर घी में मीडियम फ्लेम पर काफ़ी देर तक फ्राई किया जाता है, जब तक कि अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी ना बने। द फ्लेकीनेस ऑफ द पराठा और हलवे का जो स्वीटनेस है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है एक दूसरे में। एंड इफ यू वॉन्ट टू हैव समथिंग लाइट डेजर्ट, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस। द लास्ट लोकेशन विच यू सॉ, उस टाइम बारिश होने लगी और मैं वहाँ खड़े होकर खा नहीं पाया। सो बहुत ट्रैफिक भी था वहाँ पे, नॉइज हो रही थी, तो मैं घर पे आ गया। सो आई वुड लाइक टू ईट दैट इन फ्रंट ऑफ यू राइट हियर राइट नाउ। सबसे पहले हम चिकन रोल खाने वाले हैं। इसके अंदर की फिलिंग चिकन की है, ऑब्वियसली चिकन की होगी बिकॉज आई एम सो स्टूपिड। लेट्स ट्राई इट। इट्स रियली गुड। बाहर से ये काफ़ी क्रंची है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। इसको फ्राई करके देते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से। इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी है। चिकन को रेड मसाला में मैरिनेट करके इन्होंने अंदर फिल किया है और उसके अंदर है अनियंस एंड कैप्सिकम्स एंड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजीज। सो इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। इस चिकन स्टिक के ऊपर अगर आप देखोगे तो इसको अनियन और कैप्सिकम के बीच में चिकन के पीस को डाला गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर अनियन है, बहुत ही छोटा सा अनियन है, और बीच में एक कैप्सिकम है। चिकन स्टिक हैज गॉट टू बी द बेस्ट वन येट। मुझे खीरी भी बहुत पसंद आई। आई हैव टू गिव द नंबर वन स्पॉट टू दिस चिकन स्टिक। इस चिकन स्टिक को साउथ ईस्ट एशिया में साटे भी कहते हैं। That's it for today guys, so if you liked the video then make sure you give it a thumbs up and share it with your friends, and if you liked it really good then do consider subscribing the channel, it really makes my day। बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपके सपोर्ट की वजह से हम 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज आ चुके हैं, so make sure you share it as much as you can so that the family grows। Maybe one day I have my own team। Your love and support motivates me a lot। So मिलता हूँ मैं आपको अगली बार इसी जगह। Until then I'll see you next time।